तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और गाइस आपका रैंक पुश जो है बढ़िया से चल रहा होगा। तो गाइस फाइनल यार बहुत दिनों के बाद मेरा C3S7 का कॉन्करर हो चुका है और मैंने 4300 पॉइंट से लेके ना भाई 2 दिन के अंदर कॉन्करर अपना लगा लिया है और 2 दिन के अंदर कम से कम मैंने 600 से 700 पॉइंट प्लस किया है, जो कि भाई बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे लिए। क्योंकि मैंने जब इस साइड को लिया था तब 400 या 300 पॉइंट था, लेकिन जब मैंने कॉन्करर किया तो मुझे मिला भाई 3930 पॉइंट के करीब मुझे करना पड़ा, तब जाके मुझे कॉन्करर मिला था। और गाइस सबसे बड़ी चीज कि आज का कितना पॉइंट पे कॉन्करर मिलने वाला है वो चीज मैं आपको जरूर सब बता दूंगा इस वीडियो के जरिए, तो इस वीडियो को तरफ पूरा देखते रहना। और गाइस यहाँ पर बात रही कॉन्करर मुझे कैसे मिला, तो देखो कॉन्करर मिलने के लिए तो भाई आपको टॉप 500 आना पड़ता है, जो कि आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैंने रात के टाइम पे ना जब 8 बजा था, मतलब शाम के जब 8-9 बजे थे, तब मैंने छोड़ दिया था भाई 170 या फिर 80 रैंक पर छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं जब सुबह उठ के देखा ना 5:40 पे तो कॉन्करर मिल जाता है ना सभी को, तो उसके बाद जब मैं उठ के देखा तो भाई मेरा हो चुका था भाई 300 से भी ऊपर रैंक आ चुका था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा कुछ सीन था जब मैं उठ के देखता हूँ। और फिलहाल तो यहाँ पर भाई कॉन्करर की बात करते हैं कि कॉन्करर कितना पॉइंट पे मिलेगा। तो भाई आज का कॉन्करर पॉइंट की बात करें तो भाई देखो आज का कॉन्करर पॉइंट है ना कम से कम डेली तो 70-80 पॉइंट ऊपर जा रहा है। आज मान लो कि मुझे आज अगर कॉन्करर मिला है 4930 पॉइंट पे, तो आज के दिन ना आपको भाई 5000 पॉइंट आपको लगने वाला है, क्योंकि 70-80 पॉइंट डेली ऊपर जा रहा है। तो आपको उतना पॉइंट आपको मान के चलना है कि आपको उतना पॉइंट आपको ज़्यादा लगने वाला है। मतलब आज के दिन अगर आपको कॉन्करर करना है तो फिर आपको 5000 पॉइंट पे आपको कॉन्करर मिलने वाला है। अगर आपको सोलो डुओ स्क्वाड सभी का कॉन्करर पॉइंट के बारे में जानना है तो जरूर से इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना। और आपको सीजन एंड तक कितना पॉइंट पे कॉन्करर मिलेगा उसके बारे में भी एक वीडियो जरूर से लिखाऊंगा मैं, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जरूर से आपको मैं बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे आप लोग कॉन्करर जा सकते हो, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। फिलहाल तो भाई इस गेम प्ले की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग होल्ड कर रहे थे बहुत देर से, अब यहाँ पर हम लोग को भाई रोटेशन लेने की बारी आ चुका था, क्योंकि यहाँ से जोन हट चुका था। अब थोड़ा सा आगे की तरफ ही जोन था घर की तरफ। अब यहाँ पर मैं जा ही रहता कि तभी मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है, तो यहाँ पर मैं उतर कर इस गाड़ी पे स्प्रे लेने वाला हूँ। फिलहाल सर इस गाड़ी में एक ही बंदा था जिसको कि मैं गाड़ी फोड़ के मार देता हूँ। अब यहाँ पर तो भाई जाऊँगा भाई उसी वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदा था नहीं, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस वाले घर पे। लेकिन यहाँ पर सामने ही जस्ट बंदे थे, तो इसका भी हमको ध्यान रखना था। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहुत सारे बंदे आस पास है, इस वजह से यहाँ पर मुझे ज़्यादा मतलब इधर उधर फुट स्टॉप वगैरह नहीं दे सकता, और बाहर की तरफ जाके भी बाकी सारे बंदे को आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई हर तरह से पड़ सकता है। अब जिस चीज़ का डर रहता है वही चीज़ होता है भाई, पास में आके गाड़ी रोक देता है। अब हमको लगा था कि ये बंदा नेट पे नेट डालेगा, लेकिन भाई नेट ऐसा कुछ करता नहीं है। ये बंदा जा रहा था भाई जॉन की तरफ गाड़ी लेकर, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर मैं फायर लेता हूँ उसी टाइम पे ये बंदा अपना गाड़ी को वहीं पर रोक देता है और वहीं पे उतर जाता है ये। और उसी टाइम पे उसको मैं नॉक करके रख देता हूँ वहां पर, लेकिन वो बंदा फिनिश नहीं कर पाया मैं। अब जिस चीज़ का डर था वही हुआ भाई, यहाँ पर मेरा टीममेट पे नेड आ चुका है। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया है। और दूसरा जो बंदा है वो किसी और के हाथ तो लग जाता है, क्योंकि जस्ट हमारे पीछे घर पे एक और बंदा था जिसने कि मेरा किल चुरा के यार बहुत ही बड़ा मतलब एहसान कर दिया मेरे ऊपर। क्योंकि यहाँ पर भाई ऐसे भी मैं मरने वाला था अगर मैं फाइट लेता तो, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा HP कम हो चुका था, बट उसी टाइम पर मेरा पीछे वाले बंदे ने यार मुझे बचा लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट जोन चल रहा है और हमारे अलावा सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बचे, टोटल भाई 5 बंदे बचे। अब यहाँ पर सामने फाइट चल रहा था इन बंदों का, इस वजह से यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी मारने के लिए आता हूँ। इस गाड़ी से तो मैं एक बंदे को उतार देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो गाड़ी से कूद के ही मर जाता है। और यहाँ पर वाल्डेड हो चुका था वो वाला स्क्वाड। अब यहाँ पर तो भाई सामने एक ही बंदा था जिसके ऊपर मुझे अंधा पुश करना था एकदम।
और भाई यहाँ पर भाई ये बंदा बचने की कोशिश कर रहा था, जो कि भाई यहाँ पर आकर लेटता है, जो कि मैं उसको देख लेता हूँ खिड़की से ही फेल देता हूँ। और भाई यहाँ पर इस वाले एग्रेसिव फाइट के लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपको कैसा लगा यह वाला वीडियो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको गेम प्ले देखिए कैसा लगा और कौन कर पॉइंट आपको कितना कौन कर मिलेगा डुओ में, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही। जल्दी ही मैं और भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि भाई पूरा सीजन एंड तक कितना पॉइंट पे कौन कर मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे 31 का प्लस मिल चुका था और ये वाला मेरा कल का ही गेम प्ले था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बस इस वीडियो में इतना था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।